अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाना विद नसराना। आज मैंने बनाए हैं तंदूरी लेग। देखिए कितने ये बढ़िया लग रहे हैं, कितने जूसी लग रहे हैं। ये मैंने बिल्कुल ऑयल फ्री बनाए हैं, इसमें किसी तरह का ऑयल नहीं डाला है। आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। मेरी रेसिपी को देखिए, मैंने ये किस तरीके से बनाया है, और देखने के बाद अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आओ देखो इसको कैसे बनाते हैं। आपने बाजार में तंदूरी तो बहुत खाया होगा, आज हम घर पे बना रहे हैं तंदूरी लेग, जिसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे 4 पीसेस लेग के ले लिए हैं। हम क्या करेंगे, इस पे इस तरीके से कट्स लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कट्स लगा लेंगे, चारों लेग्स पे हम कट्स लगा लेंगे। ये बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल ऑयल फ्री मैं बनाऊंगी इसको। मैं इसको बनाऊंगी ओवन में। आप चाहें तो इसको तवा फ्राई भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको मैरिनेशन को थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इंस्टेंट बनाऊंगी, मैं इसको मुश्किल से आधा घंटा रखूंगी बस, और उसमें मेरा ये चिकन तैयार हो जाएगा। तंदूरी बहुत टेस्टी लगता है, एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए इस तरीके से मैंने कट्स लगा लिए हैं इसमें, ठीक है। ये देखो इस तरीके से कट्स लगा लिए ताकि मसाला जो है वो अंदर तक हमारा चला जाए। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो मसाले जाएंगे ना, वो मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ। मसालों में आपको जाएगा यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जो कि ज्यादा छोटा चम्मच है। लाइट्स मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। आधा छोटा चम्मच जो है यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर जाएगा। आधा छोटा चम्मच ही मैं यहाँ पे मैंने नमक डाला है, ठीक है। यहाँ पे आधा छोटा चम्मच से भी बहुत कम ये मैंने यहाँ पे डाला है अपना काली मिर्च पाउडर। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने अजवाइन ले ली है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर ले लिया है। आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे अपना चाट मसाला ले लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने फूड कलर लिया है, और आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर जो है गर्म मसाला लिया है। इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा हरा धनिया पाउडर ले लिया है, हरा धनिया मतलब हरा धनिया की पत्तियां ले ली है। आधा छोटा चम्मच ही मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और मैंने एक चम्मच यहाँ पे दही लिया है। बस यही मसाले हमारे जाएंगे। इसको देखो इसको करना क्या है, इसको सबको साइड में रखते हैं। अगर आप ज्यादा पीसेस का बना रहे हैं, मैं 4 पीसेस का बना रही हूँ, अगर आपको ज्यादा पीसेस का बनाना है तो आप इसी हिसाब से अपना जो मसाला है वो ऐड कर लेना। ये देखिए मैं सारी चीजें इसमें मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद में हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। आप यहाँ पे दही की जगह पे आप जो है, मैंने देखो यहाँ पे दही मिलाया है, ठीक है। आप यहाँ पे दही स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन दही अगर आप डालेंगे तो इसका टेस्ट और अच्छे से आएगा। और इसमें हम क्या डालेंगे, नींबू, आधा नींबू का रस डालेंगे। ये देखिए मैंने आधे से भी कम डाला है, आप इसमें आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, अच्छे से कोट कर करके रख लेते हैं। ये देखिए अपने घर में एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है। आप अगर अपने घर में बनाकर खाएंगे तो आप बाजार का खाना भूल जाएंगे। अच्छा, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। नींबू जो होता है ना, वो हमारे चिकन को और जूसी बनाता है। नींबू और दही जो होता है वो हमारे चिकन को और जूसी बनाता है। आप अगर जैसे कोई और भी चीज़ बना रहे हैं तो आप नींबू और नमक के पानी में भी चिकन को भिगो के रख देंगे तो वो बहुत जूसी बनकर तैयार होता है। देखिए अच्छे से, देखो मेरे 4 पीसेस कोट हो गए हैं। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, और उसके बाद में मैं इसको फ्राई करूंगी, मैं जो है ओवन में पकाऊंगी। आप चाहें तो इसको इसी तरीके से तवे पर रख के थोड़ा सा ऑयल डाल के और फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, आप इसको जो है सैलो फ्राई भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर चॉइस है। मैं इसको ओवन में बनाऊंगी तो इसलिए मैंने इसको इतना मैरिनेट कर दिया है। आप यहाँ पर बेसन मिला के अपना चिकन फ्राई भी बना सकते हो। देखिए मैंने अब इसको मिला दिया है, अब मैं इसको ढककर फ्रिज में रख दूंगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से मैंने इसको बनाया है। यहाँ मेरे चिकन लेग को मैरिनेट होते हुए आधा घंटा हो गया है। देखिए वो इस पोजीशन में यहाँ पर आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये माइक्रोवेव के अंदर का स्टैंड है ये बड़ा। अगर आपके पास में माइक्रोवेव है और इस तरीके का स्टैंड नहीं है तो ये स्टैंड आपको बाजार में इजीली मिल जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, इस पे इस तरीके से ये इन पीसेस को रख देंगे, इस तरीके से रखेंगे कि हमारे चारों पीसेस इस पर आ जाएं। देखिए चारों पीसेस हमारे इस पर आ गए। अब हम इसको माइक्रोवेव में रख देते हैं 10 मिनट के लिए, फ्राई करेंगे वो, मैं जो है बेक करेंगे, मैं दिखाती हूँ किस तरीके से। ये देखिए, ये मैंने ओवन को खोल लिया है, इसके अंदर हम इस स्टैंड को इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। हमें ये प्लेट के ऊपर रखना है स्टैंड को, ये देखिए स्टैंड को हमने प्लेट के ऊपर रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे ढक्कन को, और इसको 10 मिनट के लिए ग्रिल पे पका लेंगे, ठीक है। अब मैं 10 मिनट के लिए इसको ग्रिल पे वन साइडेड पका लेती हूँ, फिर पलट के 10 मिनट बाद दिखाती हूँ। यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको बाद देखती हूँ। ये देखिए, अब इसको किसी कपड़े से पकड़कर, अब किसी कपड़े से पकड़कर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने 10 मिनट इसको बेक किया है एक साइड से, अब 10 मिनट हम दूसरी साइड से बेक करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए, अब हम इसको पलट के दूसरी साइड से पकने देंगे। इसमें मैंने किसी तरह का ऑयल नहीं लगाया है, किसी तरह का मैंने वो कुछ नहीं डाला है। आपने जो मसाले हैं वो मैंने दिखाए हैं आपको। अब हम इसको पलट के 10 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी बेक कर लेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, जितना भी इसके अंदर और एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा इस प्लेट पर आ जाएगा। मिनट मेरे यहाँ पे बनते हुए दोबारा से हो गए हैं पलट कर। ये देखिए परफेक्ट, मेरा बिल्कुल देखिए तंदूरी लेग बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको प्लेट आउट कर लेते हैं। देखिए मेरे तंदूरी लेग बिल्कुल बनकर तैयार है, देखिए कितने बढ़िया ये लग रहे हैं। ये बिल्कुल ऑयल फ्री है, कम मसालों में है, आप इसको घर पर कैसे भी बना सकते हैं। मैंने इसको ओवन में बनाया है, आप इसको तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं। टेस्ट बिल्कुल सेम रहेगा, बहुत टेस्टी लगते हैं, अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करना। और मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो अपना प्यार यूं ही देते रहिए।